हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यह है अनुपमा का घर और यहाँ पर सभी सोए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की कहानी में अब आगे क्या होता है। सुबह हो गई, चलो अब उठ जाती हूँ। चिंकी बेटा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है, नहीं तो देरी हो जाएगी स्कूल जाने में। मम्मा कुछ देर सोने दो ना, मैं कुछ देर में खुद ही उठ जाऊंगी, बस कुछ देर सोने दो। ठीक है चिंकी, मैं जा रही हूँ, मुझे तो घर का काम करना है, लेकिन कुछ देर में खुद ही उठ जाना, मैं काम करते करते बार बार तुम्हें उठाने नहीं आऊंगी। हाँ मम्मा, मैं खुद ही उठ जाऊंगी, अब जाओ भी, मुझे सोने दो अच्छे से। चलो अब मैं जाकर घर का काम कर लेती हूँ, पहले घर में झाड़ू लगा देती हूँ। ला 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 ला। चलो मैंने घर में झाड़ू तो लगा दिया, लगता है ये चिंकी अभी तक नहीं उठी, अभी उठाती हूँ इसे। चिंकी बेटा, उठती हो या नहीं, या मैं सर में पानी डालूँ तुम्हारे? मम्मा मैं उठ गई, आप तो सीधे पानी डालने की धमकी देते हो। तो क्या करूँ, एक बार बोलने से तो तुम सुनते ही नहीं हो, अब जाओ जाकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ। मम्मा आज रहने दो ना, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। चिंकी, तुम्हारा रोज का एक ही बहाना नहीं चलेगा, जाती हो या नहीं स्कूल? ठीक है मम्मा, मैं जा रही हूँ बाथरूम, आज तो मुझे स्कूल जाने का जरा सा भी मन नहीं है, स्कूल नहीं जाने का कोई बहाना करेगा। चलो बाथरूम जाकर देर करती हूँ। कौन से बाथरूम में जाऊँ, चलो इंग्लिश वाले में चली जाती हूँ, अब दरवाज़ा भी बंद कर लेती हूँ। आज बाथरूम से ही नहीं निकलूँगी, स्कूल का टाइम निकल जाएगा तब निकलूँगी बाथरूम से। अरे अनुपमा, जरा एक कप चाय तो पिलाना, सुबह से मैं एक कप चाय भी नहीं पिया हूँ। बस अभी पिलाती हूँ, पहले आप छोटू को तो पकड़िए, तब ना मैं चाय बनाऊँगी। अब छोटू को तुम मुझे क्यों दे रही हो, छोटू को बिस्तर में रख दो ना। आजकल ये छोटू भी बहुत बदमाश हो गया है, आजकल इसे भी सी बात चाहिए। आप रखिए छोटू को, मैं तब तक चाय बना रही हूँ। ठीक है, छोटू को तुम मुझे ही दे दो। और चिंकी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? दीखा मैं तो भूल ही गई काम के चक्कर में, वो तो बाथरूम गई है और अभी तक बाथरूम से नहीं निकली है, मैं अभी चिंकी को बुलाती हूँ, आज तो इसे स्कूल जाने में पक्का देरी हो जाएगा। चिंकी तुम तब से बाथरूम में घुसी हुई हो, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ मम्मा, बस हो गया, अभी आ रही हूँ। दीखा आपने, आजकल चिंकी का पढ़ाई में जरा सा भी मन नहीं लगता है, वो पढ़ाई की बहुत चोर उड़ गई है, जानबूझकर बाथरूम से नहीं निकल रही है। छी छी कुछ महक रहा है, लगता है छोटू ने छी छी किया है। छोटू छी छी कर ही नहीं सकता है, मैंने तो छोटू को अभी छी छी कराया था। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, महक तो रहा है, छोटू ने ही छी छी किया है, तुम एक बार देखो। ठीक है मैं देख लेती हूँ। हाँ छोटू ने ही छी छी किया है, मैं अभी साफ कर देती हूँ। चलो अब स्कूल जाना ही पड़ेगा, मन तो मेरा नहीं था, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मा से डांट मिलेगी। सुनिए ना, जरा आप छोटू के लिए दवा ला दीजिए बाजार से, लगता है छोटू का पेट खराब हो गया है। ठीक है मैं अभी जाकर बाजार से छोटू के लिए दवा ला देता हूँ। अरे ये आइडिया तो अच्छा है, मैं अभी पेट खराब होने का बहाना कर देती हूँ, मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा। मम्मा मम्मा, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? चिंकी तुम्हारा स्कूल ड्रेस तो अलमारी में रखा है, खुद ही निकाल कर आज पहन लो, आज छोटू का पेट खराब है। ठीक है मम्मा, मैं आज खुद ही तैयार हो जाती हूँ। आ मम्मा, मेरे पेट में गुरगुर कर रहा है, मैं फिर से बाथरूम जा रही हूँ। चिंकी बेटा क्या हुआ, तुम्हारा पेट तो ठीक है ना? नहीं मम्मा, मेरा पेट ठीक नहीं है, गुरगुर कर रहा है। लगते हैं चिंकी आज तुम्हारा पेट खराब हो गया है, पापा अभी छोटू का दवाई लाने गए हैं बाजार, वो आते ही हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए भी दवा मंगाती हूँ पापा से। ठीक है मम्मा, मैं इंग्लिश टॉयलेट में अच्छे से बैठी हूँ आराम से, आप छोटू को संभालिए। ठीक है चिंकी मैं जा रही हूँ, आज तुम अच्छे से रहना घर में, आज तुम्हारा पेट खराब है ना, इसलिए स्कूल मत जाना।
चलो अच्छा है, आज तो मेरा आइडिया काम कर गया, अब तो मुझे स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। अनुपमा ये लो दवाई, छोटू को पिला दो, छोटू को इससे आराम मिलेगा। ठीक है दीजिए, मैं अभी छोटू को पिला देती हूँ दवा, इससे उसे आराम तो मिल जाएगा ना। हाँ हाँ जरूर मिलेगा। और चिंकी कहाँ है, स्कूल चली गई है क्या, कहीं दिखाई नहीं दे रही है? हाँ मैं तो आपको यही बोलने वाली थी, चिंकी आज स्कूल नहीं जाएगी, उसका पेट खराब हो गया है तो वो बाथरूम में ही बैठी हुई है सुबह से, आप उसके लिए भी दवा ला दीजिए बाजार से। अचानक चिंकी का पेट खराब कैसे हो गया, कहीं वो बहाना तो नहीं बना रही है ना स्कूल नहीं जाने का? पता नहीं, मैं तो तब से छोटू में ही लगी हुई हूँ, अब वो बहाना करे या सच में पेट खराब है ये तो वही जाने। रुको मैं अभी पता करता हूँ। चिंकी बेटा क्या हुआ, बाहर निकलो। हाँ पापा बस अभी निकल रही हूँ। बोलिए पापा क्या हुआ? मम्मा कह रही थी कि आज तुम्हारा पेट खराब हो गया है, कैसा है तुम्हारा पेट? मत बोलिए पापा, आज सुबह से ही पेट गुरगुर कर रहा है, पेट खराब हो गया एकदम। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, डॉक्टर तुम्हें बड़ा वाला इंजेक्शन देगा तो तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। बाप रे पापा इंजेक्शन, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, प्लीज पापा मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम्हारा पेट खराब है ना चिंकी, अगर तुम डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन नहीं लोगी तो कैसे ठीक होगा तुम्हारा पेट? किसका पेट खराब है, मेरा पेट तो ठीक है, तो मैं इंजेक्शन क्यों लूँ? क्या बोला चिंकी, तुम्हारा पेट ठीक है? चिंकी का झूठ पकड़ा गया, तुम सिर्फ स्कूल नहीं जाने का बहाना कर रही थी ना, तुम्हारा पेट खराब नहीं है ना? अल्ले ये मैं क्या बोल दी, मेरा झूठ तो पकड़ा गया। छोले पापा अब चैचा नहीं होगा, स्कूल नहीं जाने का बहाना अब नहीं करूँगी। चिंकी अगर तुम झूठ बोलोगी तो हमें तुम्हारी किसी भी बात में विश्वास नहीं होगा, अगर तुम्हारा सच में पेट खराब होगा फिर भी हमें लगेगा कि तुम झूठ ही बोल रही हो, बहाना कर रही हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।